नमस्कार, वेब दुनिया समाचार में आपका स्वागत है। पेश है आज की प्रमुख खबरें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब दूसरों की गंदगी साफ करेंगे। भारत की सभी समस्याओं का समाधान केवल विकास को बताते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को टोरंटो में अन्य लोगों द्वारा फैलाई गई गंदगी साफ करने और भारत की छवि को घोटालों से कुशल राष्ट्र के रूप में बदलने की प्रतिबद्धता जताई। कनाडाई प्रधानमंत्री स्टीफन हार्पर तथा उनकी पत्नी की मौजूदगी में भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए मोदी ने आह्वान किया कि वे अपनी विशेषज्ञता और अनुभव को साझा कर अपने गृह देश के विकास में अपना योगदान दें। राहुल गांधी 56 दिन बाद दिल्ली लौटे। कांग्रेस उपाध्यक्ष और अमेठी से सांसद राहुल गांधी अपनी 56 दिन की छुट्टियों से गुरुवार को लौट आए। हालांकि उनके अवकाश का कोई कारण नहीं बताया गया था, लेकिन उनके नेतृत्व को लेकर बहुत से सवाल जरूर उठाए गए थे। राहुल बैंकॉक से थाई एयरवेज के विमान से पूर्वाह्न सवा 11 बजे दिल्ली पहुंचे। विमान को 10:35 पर हवाई अड्डे पर उतरना था, लेकिन इसमें करीब 40 मिनट की देरी हुई। राहुल के पहुंचने के तुरंत बाद 12 तुगलक रोड स्थित उनके आवास पर कांग्रेस अध्यक्ष और उनकी मां सोनिया गांधी और बहन प्रियंका गांधी भी वहां पहुंची। मातोश्री आने का दुस्साहस किया तो दफन कर देंगे, शिवसेना ने कहा। विधानसभा उपचुनाव में नारायण राणे के खिलाफ अपनी जीत से प्रसन्न शिवसेना ने गुरुवार को कहा कि जो भी ठाकरे के मातोश्री आवास के आंगन में आने का दुस्साहस करेगा उसे दफन कर दिया जाएगा। शिवसेना ने कहा कि दूसरी बार चुनाव हारे राणे यदि तीसरी बार चुनाव लड़ते हैं तो वे इससे भी ज्यादा अंतर से हारेंगे। पार्टी के मुखपत्र सामना में छपे एक संपादकीय में कहा गया कि यह सीट शिवसेना नेता वाला सामंत के निधन के बाद खाली हुई थी। शिवसेना ने कहा कि उपचुनाव निर्विरोध होना चाहिए, लेकिन हमारे खिलाफ एक अहंकारी आदमी को उतार कर कांग्रेस ने जनता के सामने खुद को बेनकाब कर लिया है। आगरा में चर्च पर हमला, मूर्तियां तोड़ी। आगरा में सेंट मैरी चर्च पर बुधवार रात अज्ञात लोगों ने हमला कर दिया। हमलावरों ने मदर मरियम की प्रतिमा भी तोड़ दी। हादसे की खबर आग की तरह फैल गई और देखते ही देखते इलाके में स्थिति तनावपूर्ण हो गई। हमलावरों ने चर्च के मुख्य प्रवेश द्वार पर लगी चाइल्ड जीसस और मदर वेलांकिनी की मूर्तियां तोड़ दी। इसके बाद चर्च के मेन गेट के सामने शीशे तोड़कर मदर मरियम की बड़ी मूर्ति निकाल ली। आरबीआई गवर्नर को मिली आईएएस की धमकी। आरबीआई गवर्नर रघुराम राजन को ईमेल पर जान से मारने की धमकी मिली है। इसके बाद उनकी सुरक्षा बढ़ा दी गई है। यह बात बुधवार को यहां गृह मंत्रालय के एक शीर्ष अधिकारी ने कही। महाराष्ट्र गृह विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव केपी बख्शी ने कहा कि कथित पत्र कुछ दिनों पहले मिला है, हमने इस पर गौर किया है और आरबीआई गवर्नर की सुरक्षा बढ़ा दी है। हालांकि उन्होंने धमकी भरे ईमेल की बारीकियों के बारे में कोई जानकारी नहीं दी, लेकिन बताया जा रहा है कि ईमेल के तार कुख्यात आतंकवादी संगठन आईएस से जुड़े हो सकते हैं। ये थे अब तक के मुख्य समाचार। और ज्यादा जानकारी के लिए लॉगिन कीजिए हमारी वेबसाइट www.webdunia.com। नमस्कार।